कलेक्ट्री में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। राजधानी जयपुर जिले में लॉकडाउन के नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसका एक उदाहरण जयपुर स्थित कलेक्ट्री में देखने को मिल रहा है, जहां पर एकल खिड़की व पटवार भवन में एकाएक लोगों का जमावड़ा लग गया। ऐसा लगता है कि यहां पर कोई नियम लागू नहीं होता व लोगों को अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं। बता दें कि पटवार भवन में जाति प्रमाण पत्र बनवाने, मूल निवास, EWS और अन्य कार्य के चलते लोगों का जमावड़ा लग गया। बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु राज्य सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क सहित कई नियमों की गाइडलाइन जारी कर रखी है, ताकि लोग इस संक्रमण से बच सके। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ढिलाई की वजह से अधिकतर जगहों पर इन नियमों की सख्ताई से पालन नहीं हो पा रही और ऐसा भीड़ का आलम देखने को मिल जाता है। वरिष्ठ अधिवक्ता गजराज सिंह राजावत का कहना है कि कलेक्ट्री में जो पटवार भवन स्थित है उसमें हालात खराब है, आम जनता की भीड़ टूट कर पड़ रही है। कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी पालना नहीं हो रही है। कलेक्ट्री की नगरी में ही ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है तो अन्य जगह का आलम क्या होगा। तो वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता गजराज सिंह राजावत का कहना है कि पटवारी फील्ड का नाम लेकर इधर उधर गायब हो जाते हैं, सीट पर पटवारी नहीं मिलने के कारण भी भीड़ लग जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर। पटवार भवन में, कलेक्ट्री में जो पटवार भवन स्थित है उसमें हालत खराब है, आम जनता की भीड़ टूट के पड़ रही है और जो कोरोना की गाइडलाइन है उसके अनुसार कोई पालना नहीं हो रही है। और कलेक्टर साहब भी यही विराजते हैं, जो कलेक्टर साहब की नगरी में एकल खिड़की वे पटवार भवन सब जी हालात खराब, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और EWS की जो प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जो बनाए जाते हैं उनके लिए टूट के भीड़ पड़ रही है। पटवारी भी मौके पर नहीं मिलते, इस कारण भी भीड़ ज़्यादा है। तो पटवारी भी इधर उधर फील्ड का नाम लेके गायब हो जाते हैं और फील्ड में के नाम से वो कार्यालय में नहीं बैठते, इसलिए हालत खराब है। अभी 12th के और 10th के इनके रिजल्ट आए हैं, इसलिए आम जनता और स्टूडेंट काफ़ी भीड़ में आ रहे हैं और काफ़ी जो कोरोना की गाइडलाइन की पालना नहीं हुई। गजराज सिंह राजावत, महासचिव, डिस्ट्रिक्ट वारिश।